रकमान रहम असलकुम आज हमारे किचन में बना है चिकन मसालेदार पुलाव जो कि बहुत मज़े का बनता है बहुत ही यमी होता है बहुत ही टेस्टी होता है झटपट तैयार भी हो जाता है तो इसके लिए मैंने एक पतीली ली है और पतीली में मैंने हाफ़ कप से कम ऑयल ऐड किया है ऑयल डालने के बाद हमने एक बड़े साइज़ की प्याज़ लेनी है प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लें और प्याज को इस ऑयल में डाल दें जब ऑयल आपका गर्म हो जाए प्याज़ को आपने गोल्डन ब्राउन करना है अच्छी तरह से तो तकरीबन पाँच से छः मिनट में आपकी जो प्याज़ है वो अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो इसमें से थोड़ी सी प्याज हम साइड में निकाल लेंगे और बाकी की प्याज में कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे तो गरम मसालों में हमने जो चीज़ें ली हैं एक तेज़पात का पत्ता लिया है एक दो बड़ी इलायचियाँ एक बदियान का फूल एक दालचीनी का टुकड़ा पंद्रह हमने साबुत काली मिर्चें और पांच से छह छोटी इलायचियाँ ली सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इतनी कि इसमें खुशबू आ जाए इसके बाद वन टेबल स्पून अदरक और वन टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे अब ये तकरीबन मैंने डेढ़ किलो के, के करीब मैंने ये चिकन ली है चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है वॉश करने के बाद सारी की सारी चिकन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे इस तरह से फ्राई कर लेंगे तकरीबन पाँच से छः मिनट फ्राई करने के बाद ये दो टमाटर लेने हैं आपने मीडियम साइज़ के इसको भी रफली चॉप कर लें चार से पाँच हरी मिर्चें ये डाल के आपने इसको मिक्स करना है इस तरह से अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे उसमें साबुत धनिया है वन टेबल स्पून वन टेबल स्पून ही सौंफ है और वन टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरा है इन तीनों चीज़ों को एक ब्लेंडर के जार में आपने पाउडर बनाना है तो ये पाउडर हमने बना लिया है तो ये सारा का सारा पाउडर इसमें हम ऐड कर देंगे डेढ़ किलो चिकन है इसमें इतना ही पाउडर जाएगा इसकी खुशबू पुलाव में बहुत अच्छी आती है वन टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें और वन टेबल स्पून नमक ऐड कर दें या हंसबे ज़रूरत इसके बाद ये मैंने तकरीबन फोर टेबल स्पून दही लिया है दही को अच्छे से फेंट लिया है दही डाल देंगे और दही डालने के बाद इसको हल्का सा भून लेंगे इस तरह से कि सारे मसाले और दही बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अब हमने हाफ़ कप पानी लिया है और इसमें हाफ़ कप पानी ऐड कर देंगे और चिकन को ढकना ढक के गलाने के लिए रख देंगे मीडियम लो फ्लेम पर ताकि टमाटर वगैरह हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ पंद्रह मिनट के बाद जब आपकी चिकन अच्छे से कुक हो जाए आपने एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है ऑयल आपका साइडों में आ जाएगा तो चिकन भी आपकी बहुत अच्छे से गल जाएगी पहले से ही मैंने ये तीन गिलास चावलों को भिगो के रखा था चावलों को भिगो दें आधे घंटे के लिए बनास्पति राइस लिए मैंने ये तीन गिलास तो इसमें भी आधा गिलास पानी मौजूद था चावलों में तो आपने अब दो गिलास पानी और ऐड करने हैं इसमें दो गिलास पानी इसमें और ऐड करेंगे या जितने के आप चावल डाल रहे हैं या चिकन ले रहे हैं उस हिसाब से आप पानी को सेट कर लें और इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दें और तकरीबन वन टेबल स्पून आप इसमें देसी घी डाल दें ऊपर से वन टेबल स्पून देसी घी ऐड कर दें मिक्स कर लें और इस पॉइंट पे आपने नमक भी टेस्ट करना है तो मैंने वन टेबल स्पून नमक और ऐड करा है आपको ज़रूरत हो तो आप डालें वरना आप जितना आपने पहले डाला है उसी को एडजस्ट करने तो मैंने ये वन टेबल स्पून नमक डालने के बाद टेस्ट किया था तो नमक बिल्कुल सही था तो मैंने ये तकरीबन हमारा ये मिला के वन टेबल डेढ़ टेबल स्पून नमक गया है अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे नमक डालने के बाद ढकना ढक देंगे और पानी खुश्क होने तक पकाएंगे तो पानी हमारा खुश्क हो गया है ये देखें अब हमने इसको दम पे लगाना है तो दम पे लगाने से पहले जो हमने प्याज एक्स्ट्रा निकाल के रखी थी वो ऊपर से इस तरह से इस पर डाल देंगे और इस पर हमने तवा लगाना है नीचे या आप डायरेक्ट भी दम दे सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने तवा लगा दिया था और ऊपर से एक कपड़ा रख के मैंने इसको दम पे लगा दिया था तकरीबन पंद्रह मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पंद्रह मिनट के बाद आपने इसको उठाना है चेक करना है बहुत ही खुशबू आएगी बहुत ज़बरदस्त मसालेदार पुलाव हमारा तैयार है बहुत ही टेस्टी बना था एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें सारे ही घर वालों को आपका ये पुलाव पसंद आएगा आप इसको बगैर रायते बग़ैर किसी चटनी से भी खाएँगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा तो वीवर्स अगर आपको मेरे ये मसालेदार पुलाव की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें कमेंट्स कर दें और आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बसानी पहुँच पाएगी इसी के साथ ही दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़